श्रीराम जय राम, जय जय राम, श्रीराम जय राम, जय जय सभी को जय सियाराम। जो भी देश विदेशों से जुड़े हुए हैं चैनल के माध्यम से, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामट मानोनपेक्ष, यदृच्छया गामट मानोनपेक्ष, अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतश्च बालैः अवधूतवेशः, वृतश्च बालैः अवधूतवेशः। अवधूत शब्द से श्लोक का प्राण है। अवधूत वेश, सुखदेव जी महाराज अवधूत हैं। अवधूत को मैं अपने शब्दों में कहूं तो जो अद्भुत है वही अवधूत है, अथवा जो अवधूत है वह अद्भुत है। बोले कैसे अद्भुत है? यहां एक बड़ा प्यारा शब्द आया, वृतश्च वालई अवधूत वेश। कैसे हैं सुखदेव जी? अलक्ष लिंगो, लिंग माने होता चिन्ह। जिसका कोई लक्षण ही नहीं है, किसी भी लक्षण में जो न आ सके, लेकिन हां जिसमें बालक पत्थर फेंक फेंक के मारे और विद्वान जिसका सम्मान करे, संत समाज जिसका सम्मान करे। बालक का मतलब होता है नादान, ना समझ लोग, ना समझ लोग तो पत्थर ही मारेंगे, क्योंकि वो अवधूत को, क्योंकि वो तो बड़ा अद्भुत है, उसे बालक कैसे समझेंगे? क्योंकि बालकों का बुद्धि का स्तर छोटा ही होता है, इसलिए जो नासमझ होते हैं वह अद्भुत महापुरुषों पर भी पत्थर ही मारते हैं। लेकिन महापुरुष पत्थर का जवाब ईंट से नहीं देता। साधक का ये नियम है। और एक बात बताऊं, साधक की साधना या अपनी ऊंचाई तभी जाकर के ऊंची उठती है जब वो पत्थर मारने वालों के प्रति भी द्वेष से नहीं भरता। इसका मतलब ये है कि वो पिटता रहे ना, ये भी नहीं है। बोले तो भगवान शिव पूरी सृष्टि का संहार कर देते हैं, लेकिन द्वेष के कारण नहीं, जगत के कल्याण के कारण। अर्जुन
पूरे महाभारत में लाखों लाशें बिछाता है, लेकिन द्वेष के कारण नहीं, सृष्टि के कल्याण के कारण। भगवान राम न जाने कितने हजार राक्षसों का सफाया कर देते हैं, लेकिन द्वेष से नहीं, सृष्टि के कल्याण के कारण। यदि सृष्टि के कल्याण के लिए कोई व्यक्ति इस भावना से, जैसे डॉक्टर है पेट फाड़ देता है लेकिन द्वेष से नहीं, उसके कल्याण के लिए। ऐसे ही समाज एक शरीर है और उसमें कुछ गलत कीटाणु आ जाते हैं, तो परमात्मा की आज्ञा से, सदगुरु की आज्ञा से यदि हम कोई काम करें तो उस काम जगत हित के लिए और उसमें भले, जैसे देश की सीमा पर कोई व्यक्ति रक्षा के लिए हजारों लोगों को मार देता है, क्या उसे पाप लगेगा? नहीं, क्योंकि उसका पर्सनल कोई द्वेष नहीं है। क्यों? वह देश की रक्षा के लिए और उसको सम्मान मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है, फलाना सम्मान मिलता है। तो हमारे शास्त्र कायरता नहीं सिखाते, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, हमारा किसी के प्रति अंतर द्वेष न हो। यदि द्वेष हुआ तो फिर वह पुण्य पाप में कर्म बदल जाएगा और उसके कारण हमको फिर जन्म लेने पड़ेंगे। तो कुछ कंडीशन ऐसी हैं, कुछ दशाएं ऐसी हैं जिसमें हमें हथियार उठाने की अनुमति है, लेकिन अंदर से द्वेष रहित होकर के पर्सनल अपने जीवन में द्वेष को न पालें। मैं किसकी बात कर रहा हूं? सुखदेव जी महाराज की, सुखदेव जी के महाराज के ऊपर। लेकिन जहां वहां जो पत्थर फेंक रहे हैं ना, सुखदेव जी उनका प्रतिकार नहीं कर रहे, उसका कारण यह है कि वो इतनी ऊंची दशा में है कि उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि मुझे कोई पत्थर फेंक रहा है, वो इतनी ऊंची दशा में है। हाँ, किसी के कहने पर सुखदेव जी जैसे महापुरुषों को अपनी दशा से नीचे नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि नीचे की दशा के लोगों के बीच में यदि कोई अवधूत रहा और यदि उनके परामर्श बार 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 ये होते रहे कि अरे इतना तो बनता है, कम से कम कोई कोई ईंट मत्र मार रहा, तो आप कम से कम रोक सकते हो उसे, आप जवाब दे सकते हो उसे, तो अवधूत अवस्था पर गए हुए महापुरुषों को उनकी बातों में आकर के अपने स्वभाव से नीचे नहीं उतरना चाहिए। हाँ, रजोगुण में बरतने वाले लोगों को ये है कि वे भी राग द्वेष रहित होकर के, मैं एक बात और कहूँगा, महापुरुषों के जीवन में यह जो दशा है बड़े जन्म जन्मों के प्रयास के बाद आती है। हमको इस दशा को हमेशा, महापुरुषों की इस दशा को बढ़ाने का ही प्रयास करना चाहिए, इस दशा से उसे नीचे लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नीचे तो वही कीचड़ है, राग द्वेष ईर्ष्या जलन, और यह दलदल बहुत बुरा है। इस दलदल में जाने के बाद फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। तो वृतश्च वालय अवधूत अवेश, जैसे ही वो नादानों की सीमा से आगे बढ़े, ओ हो, वहाँ जितना ऋषि मुनियों का समाज था सब खड़ा, क्योंकि वो उसकी, क्योंकि महापुरुष की कीमत कोई महापुरुष ही समझ सकता है, बुद्ध पुरुष की गहराई को कोई बुद्ध पुरुष ही समझ सकता है। पता है किसी हीरा को परखने के लिए हमें पहले जौहरी बनना पड़ेगा? यदि हम साग सब्जी वाले हैं और हीरा की को उसको पहचानना तोलना समझना चाहें तो जान नहीं सकते। इसलिए भैया साधकों को, मेरा दोनों बात समझ में आ गई होंगी आशय, कि हमारे शास्त्र कायरता नहीं सिखाते, हमारे शास्त्र बुजदली नहीं सिखाते, हमारे शास्त्र युद्ध भी सिखाते हैं, लेकिन उसकी अंतर गहराई में अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखना, अपनी मन की स्थिति को नीचे न गिरने देना। पहले भगवान ने गीता का उपदेश सुनाया अर्जुन को, उसके बाद कहा कि अब तू युद्ध कर और कोई पाप लग जाए तो जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने स्वयं कहा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, इन सारे जितने तू जब मेरे आदेश पर जो भी काम करेगा, अब मानो कोई कंपाउंडर है, डॉक्टर आदेश कर रहा है कि ऐसे फाड़ो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, यदि उसमें आदमी मर भी जाता है तो डॉक्टर को भी पाप नहीं लगेगा, कंपाउंडर को भी पाप नहीं लगेगा, जबकि देखने में ऐसा लग रहा है कि इन्हीं के द्वारा मारा गया है,
महाराणी बचाने की आशा थी, कोशिश थी, लक्ष्य था, मनोरथ था, लेकिन उसमें यदि उसकी डेथ भी होती है ना, यदि मनोरथ गलत होता तो डॉक्टर पाप का भागी बनता। बहुत से डॉक्टर ऐसे होते भी हैं जिनके मनोरथ गलत होते हैं, वास्तव में उनका यह लोक भी खराब हो जाता है और वह लोक भी खराब हो जाता है। तो मुझे इसमें से इस शब्द को आपको खोलना था। यह जान है इसकी अवधूत वेश, जो अवधूत होता है वो अद्भुत होता है, वो हमारी नज़रों से समझ में नहीं आता, पहचाना नहीं जाता। तो क्योंकि ज़्यादा बड़ा प्रसंग न हो इसलिए इस बात को यहीं अगले वीडियो में इसके आगे की बात में कहूँगा। जय सियाराम, खुश रहो।